एक बार मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनाना था, तो मैंने ऑफलाइन फॉर्म भर लिए। फॉर्म भरने के बाद मैं सुबह सुबह पहुंच गया एसडीएम के दफ्तर में। मैंने सोचा वहां पे ऑफलाइन जमा करा दूंगा खिड़की पे, लेकिन वहां जाकर मैंने देखा इतनी लंबी लाइन, करीब 500 लोग लाइनों में खड़े हुए थे। मैंने वो पूछा कि यार इतनी भीड़ होने का कारण क्या है, तो लोगों ने बताया कि सुबह 5 बजे 6 बजे आके यहाँ पे ना लाइन में लग जाते हैं लोग। तो बहरहाल मैं भी लाइन में लग गया और एक बज गया, लंच हो गया, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया। और लंच के बाद भी मेरा नंबर नहीं आया, थक हार के मैं वापस घर पे आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि ऑफलाइन फॉर्म भर के उसको जमा कराना कितनी टेढ़ी खीर है, और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आपको कहीं जरूरी काम हो तो आप वहां नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह ऑफलाइन फॉर्म जमा कराने बहुत टेढ़ी खीर है भाई। लेकिन आप चाहें तो ये सारे फॉर्म, आपको कोई सा भी फॉर्म हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र हो, लेबर कार्ड हो, दोनों सारे सर्टिफिकेट हो, मतलब कोई से भी सर्टिफिकेट अगर आपको अप्लाई करने हैं तो आप घर बैठे कर सकते हैं। जी हाँ, दिल्ली सरकार का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, या आप उसे वेबसाइट भी कह सकते हैं, उस पे ऑनलाइन बहुत आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं उसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली सरकार का पोर्टल है, जिसपे 400+ सर्विस है, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्टल पर सुविधा हो रहा है, आप सर्विस यानी कि कोई सर्टिफिकेट आपको बनवाना है तो आप उसको फोन के जरिए, उनका 1076 नंबर होता है, कॉल करके भी उस जो कर्मचारी है उसको घर पे बुला सकते हैं। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट घर से ले जाएगा और आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप स्वयं उसको कर सकते हैं अपने मोबाइल के जरिए, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए। अगर आपको कोई सा भी सर्टिफिकेट बनवाना हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, लेबर कार्ड हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, मेरिज सर्टिफिकेट हो, जितने भी प्रकार के सर्टिफिकेट है, आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, अपने पीसी से, अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। आने वाली वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करना सिखाऊंगा, कैसे आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का लुक पूरी तरह चेंज हो चुका है, इंटरफेस पूरी तरह चेंज हो चुका है। नया इंटरफेस बहुत ज्यादा इजी है, और इजी इतना है कि आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझ जाएंगे। उसमें एक हाईलाइट विंडो चलती रहती है, जिसमें सर्विस के बारे में बताया हुआ है कि डिलीवरी किस तरह होती है सर्विस, आपको अपने सर्टिफिकेट के प्रिंट आउट निकालने हैं वो निकाल सकते हैं। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट अप्लाई किया हुआ है तो उसका स्टेटस देख सकते हैं, उसके भी उन्होंने जगह बनाई हुई है, लिखा हुआ है इसमें सीधा कि आप स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन आंसर है, कोई सवाल है, तो वो भी इस पर बड़ी आसान तरीके से आपको उनके जवाब मिल जाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल जो नया लुक है वो कैसा दिखता है। तो इसके लिए मैं सीधा आपको लेकर चलता हूं अपने पीसी पर, और आप देखेंगे कि कितना इजी हो चुका है ई डिस्ट्रिक्ट का, दिल्ली सरकार का ये पोर्टल। क्रोम ब्राउजर पर लिखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का ऑफिशियल वेब पेज खुल जाएगा या पोर्टल खुल जाएगा। आप देखेंगे नेशनल कैपिटल अथॉरिटी ऑफ दिल्ली, बिल्कुल बदला हुआ लुक है, बिल्कुल बदला हुआ इंटरफेस है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले से, और काफ़ी आसान सा लग रहा है। नीचे आप देखें कॉल अस ऑन 1076 नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बटन दिए गए हैं, होम, अबाउट अस वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के काफ़ी बदल चुका है इंटरफेस। और यहाँ पे देखेंगे ओवर सर्विस, अप्लाई सर्विस, ट्रैक यूवर एप्लीकेशन, वेरीफाई यूवर सर्टिफिकेट, प्रिंट डाउनलोड सर्टिफिकेट, अप्लाई सर्विस, ट्रैक यूवर एप्लीकेशन, वेरीफाई यूवर सर्टिफिकेट। अप्लाई सर्विस पे क्लिक करके देखते हैं तो देखिए आपके सामने ये एक पॉपअप विंडो खुल गई, जहाँ पे आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं, और नीचे कैप्चा फिल करने के बाद आप आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। तो एक बार लॉगिन करने के बाद आपकी जो भी सर्विस है आप उसको देख पाएंगे। और यहाँ पे ट्रैक यूवर एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके हमने देखा तो ये विंडो खुल गई, और एक तुरंत विंडो खुल रही है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्ट डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है सर्टिफिकेट, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट अप्लाइड फॉर और इंटर एप्लीकेशन नंबर, इंटर करने के बाद आप देखेंगे ये एक नई विंडो आपके सामने खुल गई है। यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट करेंगे और उसके बाद अप्लाइड फॉर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपने जिस भी डिपार्टमेंट के जरिए अप्लाई किया हुआ है सर्टिफिकेट। और सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे एप्लीकेशन नंबर भरेंगे यहाँ पे, उसके बाद नीचे एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट का नाम वो भर देंगे, कैप्चा फिल कर देंगे। तो इस तरह पहले से जो लुक था और इंटरफेस था काफ़ी कुछ बदल चुका है, और अब ना बहुत आसान सा लग रहा है। ये पहले बड़ा हार्ड सा लगता था। यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट कर लेंगे, जो भी आपके डिपार्टमेंट है, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है,
जिस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो कहने का मतलब यहाँ से कितने आसानी से ट्रैक कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशन को, उसका स्टेटस देख पाएंगे। कैप्चा फिल करना भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े से हो चुका है सब कुछ। तो यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद आप अपनी सर्विस ट्रैक कर पाएंगे, एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाएंगे। और वेरीफाई योर सर्टिफिकेट का ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट, और जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जिस भी डिपार्टमेंट के जरिए आपने एप्लीकेशन भरी है, फॉर्म भरा है ऑनलाइन, तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे ट्रैक करने के लिए। तो जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इंटर एप्लीकेशन या सर्टिफिकेट नंबर है आपका वो डाल दीजिए यहाँ पे, और इंटर एप्लीकेंट नेम, और उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करने के बाद सर्च पे करेंगे तो आप बिल्कुल ट्रैक कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशन। यहाँ पे वेरीफाई सर्टिफिकेट कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप सिलेक्ट डिपार्टमेंट पे क्लिक करके सारा प्रोसेस वही है, मतलब एक जैसा प्रोसेस है लगभग लगभग, पहले की तरह नहीं है कि आप को चूज करने में थोड़ी दिक्कत होती थी और बड़े बारीक बारीक अक्षरों में लिखा हुआ आता था, तो सब कुछ अब काफ़ी बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इंटरफेस। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे कुछ जो नई सर्विस है वो भी हाईलाइट हो रही है, तो जैसे पेमेंट ऑफ एक्स ग्राटिया असिस्टेंट टू फैमिलीज ऑफ डिसीज्ड, तो यहाँ पे आप उसकी गाइडलाइंस जो भी है वो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना आप किस तरह करेंगे, तो उसके लिए भी यूजर आईडी पासवर्ड अगर आपने बनाया पहले से तो वो डालकर उसको भी अप्लाई कर पाएंगे। और फॉर रजिस्ट्रेशन NSP, उसके बारे में आप समझ सकते हैं यहाँ पे। वोटर आईडी वगैरह आप अपना वोटर का स्टेटस भी देख सकते हैं एक तरह से, मतलब राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल भी यहीं से आप उसको ढूंढ पाएंगे। और जो भी आपको नया पहचान पत्र बनवाना हो या उसमें कुछ करेक्शन करने हो तो वो भी यहीं से बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। तो कुल मिला के बदलाव इंटरफेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भी यहीं से आप जो इन्होंने नई सर्विस दी है उसको सिलेक्ट करके, जो भी जिस भी जरिए से आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो वो भी यहाँ से आप इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें बहुत सारी स्कीमें होती है, आप नया रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, लॉग इन कैसे करना है, तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब पहले से बहुत आसान है। और स्टेप बाय स्टेप मैं अगली जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें किस तरह आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने, ऑनलाइन अप्लाई करना, उन सब के बारे में मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। तो ये बदला हुआ इंटरफेस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी आसान सा लगता है। और यहाँ पे आप देखेंगे हाउ टू अप्लाई, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस पे क्लिक करके उनके जवाब पा सकते हैं। जनरल कोई आपकी क्वेरी है तो उसको आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। डिपार्टमेंट वाइज कोई क्वेरी है तो वो भी, तो उनका सब PDF यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप उसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। तो काफ़ी सारे सवाल हैं, उन सबके जवाब आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और PDF आप उनका डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। और एक तरह की नहीं, हर तरह के PDF है, चाहे बिजली से रिलेटेड हो, BSES राजधानी पावर, BSES यमुना पावर, या लोड चेंज करवाना हो, इंश्योरेंस ऑफ न्यूज़, मतलब सारे PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप उनको डाउनलोड करके बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, और जो भी क्वेरी हो आपकी यहाँ से सॉल्व करवा सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने डिपार्टमेंट है, काफ़ी सर्विस है इनके इस पोर्टल पर। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि इतनी सर्विस घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं खुद भी। तो ये देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर डेथ बेनिफिट, एप्लीकेशन फॉर पेंशन, एप्लीकेशन फॉर डिसेबिलिटी पेंशन, तो ये सब यहाँ से आप इनके जो PDF है उसमें इनके नियम कायदे जो भी सब समझा रखे हैं, तो आप उनको डाउनलोड करके सब कुछ आसान बना सकते हैं। मतलब जो झंझट है ना वहाँ पे ऑफलाइन खिड़की पे लगने का, पूरे दिन लाइन में लगे रहो और फिर भी नंबर नहीं आता, तो बढ़िया है उससे कि आप अगर घर पे ही अपने फ़ोन से या PC से ऑनलाइन अप्लाई करें तो ये ज़्यादा आसान तरीका है। तो आप देख सकते हैं कितनी सर्विस है इनके इस पोर्टल पे,
बहुत ज़्यादा सर्विस है। और सबसे अच्छी बात है कि उन सारी सर्विस का PDF, यानी जो उनके नियम है किस तरह फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो उन सब के बारे में PDF बना के इन्होंने डाला हुआ है इस पर, और आप उसको डाउनलोड करके अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टाइमलाइन का एक बटन दिया हुआ है जिस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कौन से सर्टिफिकेट को बनने में कितने दिन लगेंगे, तो उन सब का टाइम टेबल इसमें बता रखा है। किसी का 14 दिन है, किसी का 60 दिन है, किसी का 30 दिन है, किसी का 21 दिन है। तो यहाँ से आपको इनके जो टाइमलाइन है उनके PDF भी डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, और आप पता लगा पाएंगे कि हमारा सर्टिफिकेट कितने दिन में बन जाएगा। तो उन सारे सर्टिफिकेट के PDF यहाँ पे मौजूद है। हर तरह के सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। कितनी सर्विस है यार, सर्विस तो बहुत ही ज़्यादा है भाई। मेरा तो ये कहना है कि आप दलालों के चक्कर में पड़ने के बजाय या लाइनों में लगने के बजाय खुद ही इनके PDF डाउनलोड करके अच्छी तरह समझ के घर बैठे ऑनलाइन खुद ही अप्लाई कीजिए। और यहाँ पे डिजाइन ऑफिशियल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड गाइडलाइंस, तो सब पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल एट ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, तो दस कॉल सेंटर इज, तो ये कॉल सेंटर पे आप कॉल करके ही पूछ सकते हैं। इसका टाइमिंग दिया हुआ है 9:30 सुबह से 6 PM तक, और आपकी कोई शिकायत वगैरह आपको करनी है तो यहाँ पे भी उसका इंतजाम है। तो 4 डिपार्टमेंट यूज है नीचे, और मतलब आप यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, उसकी एक मेल आईडी भी दी हुई इन्होंने। तो ये तो खैर डिपार्टमेंट यूजर है। कुल मिला के यार इंटरफेस बहुत अच्छा है यार, मतलब काफ़ी इजी सा लग रहा है। डिस्ट्रिक्ट पोर्टल अब पहले की तरह नहीं है, और ये यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट हैं इसके तहत जो भी डिपार्टमेंट आते हैं वो ही दिखा रखे हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई, लेबर डिपार्टमेंट, तो उन सब के एड्रेस वगैरह भी, जो ADM और SDM होते हैं उनके एड्रेस वगैरह भी यहाँ से आप देख सकते हैं। सेंट्रल दिल्ली का, ईस्ट दिल्ली का, न्यू दिल्ली का, नॉर्थ दिल्ली का, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, नॉर्थ वेस्ट, सादरा साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के भी जितने भी सेंट्रल, ईस्ट, न्यू दिल्ली के एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है, उन सब के एड्रेस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप को कोई अगर वहाँ इनके दफ्तर में जाना चाहता है तो इनको देख के जा सकते हैं। डिपार्टमेंट फूड एंड सप्लाई का जो एड्रेस है वो भी दिया हुआ है, लेबर डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, गवर्नमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एड्रेस दिए हुए हैं सारे के सारे। तो आपको सारी जानकारियाँ घर बैठे मिल जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है वहाँ लाइनों में लंबी लंबी लगने की। तो भाई बहुत कुछ ही बदल चुका है, पोर्टल काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। और इसके अलावा गाइडलाइन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो जितने PDF है आप उनको डाउनलोड करो और अच्छी तरह पढ़ो। एक आध दिन आप टाइम निकाल के पूरा दिन सिर्फ इसी पे ही दिमाग लगाओ कि कैसे सर्टिफिकेट अप्लाई करने हैं, क्या क्या इनकी गाइडलाइंस हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इनके साथ लगते हैं, फ़ोटो के साइज वगैरह कितना, फ़ोटो को मतलब क्रॉप करके कितना साइज की फ़ोटो बनानी होती है और वो सबमिट करनी होती है। डिपार्टमेंट वेलफेयर ऑफ SC ST, हायर एजुकेशन, लेबर डिपार्टमेंट, इन सब के PDF यहाँ पे मौजूद है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करना है उसका PDF डाउनलोड कीजिए और अप्लाई करिए घर बैठे। तो इंटरफेस तो बहुत अच्छा है, पहले से काफ़ी ईजी लग रहा है। और अदर लिंक भी यहाँ पर दिए हुए, जैसे रेवेन्यू कोर्ट है, तो रेवेन्यू कोर्ट के बारे में आप जो उनका ऑनलाइन कैश लिस्ट है वो देख पाएंगे। ट्रैक कोर्ट कैश, कोई कोर्ट कैश चल रहा हो तो उसको ट्रैक कर पाएंगे। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें राजस्व विभाग दिल्ली सरकार, यहाँ पे व्यू कैश लिस्ट, तो सिलेक्ट कोर्ट, जो सिलेक्ट कोर्ट सिलेक्ट कीजिए, डेट डालिए, सिक्योरिटी कोड यहाँ पे फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो आप उस कोर्ट लिस्ट को देख पाएंगे, कैश लिस्ट को, और यार ट्रैक कर पाएंगे कोई अगर कैश चल रहा हो उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो प्रक्रिया वही है, सिलेक्ट कोड कीजिए और लोकेशन डालिए, उस पर कैश नंबर डालिए, डेट ऑफ नेक्स्ट हायरिंग एप्लीकेट, एप्लीकेबल एक्ट जो भी है सेक्शन फर्स्ट, सिक्योरिटी कोड वगैरह फिल करने के बाद बिल्कुल ट्रैक कर पाएंगे। और फाइनल जजमेंट ऑफ कोर्ट केस, जो जजों के फाइनल जजमेंट होते हैं वो भी यहाँ पे आप बड़ा ईजिली देख पाएंगे। इंटर कैश नंबर डाल के
कैश आईडी, सिक्योरिटी कोड भरने के बाद सबमिट कर दीजिए और जो जजमेंट है वो भी पूरी तरह आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बदल चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको इंश्योरेंस ऑफ रॉर, तो ये कह रहा है यूअर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, तो कुछ लिंक ऐसे है जिसपे वो कहता है कि आपका कनेक्शन प्राइवेट होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए। तो मैं फिर भी उसको हाइड एडवांस पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड कर रहा हूँ, देखते हैं कि आखिर आता क्या है। तो ये है जी इंद्रप्रस्थ भूलेख, दिल्ली लैंड रिकॉर्ड। तो आप दिल्ली के जो लैंड रिकॉर्ड है, सॉरी, जो दिल्ली के घरों के रिकॉर्ड है, कहने का मतलब जो नक्शा है जमीन के, भूखे, खसरा, खतौनी, विवरण जो भी है, तो वो सब आप अब देख पाएंगे। तो लगता नहीं कि कितना यार सुविधा हो गई है इस डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में, नक्शे आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो भूलेख वेब पोर्टल का निर्माण दिल्ली के भू अभिलेख कंप्यूटरकृत करने के लिए किया गया है, ये जानकारी केवल सूचनार्थ दी गई है। तो दिल्ली सरकार ने भी बहुत अच्छा बना दिया है इस पोर्टल को। और अगर आपको अपना ई राशन कार्ड प्रिंट करना है, यानी राशन कार्ड प्रिंट करना है, तो उसकी भी सुविधा यहाँ पर दी हुई है। आप यहाँ पर राशन कार्ड नंबर डालिए, नेम ऑफ द हेड ऑफ फैमिली, जो भी फैमिली का हेड है उसका नाम लिखिए, आधार नंबर लिखिए, ईयर ऑफ बर्थ हेड ऑफ फैमिली और मोबाइल नंबर डालने के बाद रजिस्टर्ड लेटर इन NFS वेबसाइट, और उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करने के बाद डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको अगर आधार से रिलेटेड कोई काम है, आधार नया बनवाना है, अपडेट करवाना है, करेक्शन करवाना है, आधार डाउनलोड करना है, तो वो भी यहाँ से बड़ा ही इजीली कर पाएंगे। तो मतलब एक ही पोर्टल में इतनी सारी सुविधाएं हैं, आप घर बैठे उन सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। और टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं यहाँ पे जो 1947 से आधार कार्ड का, और वेरीफाई वोटर डिटेल्स भी आप यहाँ से कर पाएंगे कि आपका जो वोटर आईडी है वो वेरीफाई है या नहीं है, तो उसमें नाम वगैरह आप चेक कर पाएंगे। और चाहे तो आप जिन्होंने नए अप्लाई करा है तो डाउनलोड भी यहीं से कर पाएंगे। कुल मिला के दिल्ली सरकार का ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बहुत अच्छा बन चुका है, सर्विसें बहुत आसान लग रही है अब। और अगर आपको इसके बारे में समझना है अबाउट ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद अच्छी तरह समझ पाएंगे। रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो और ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी कि दिल्ली सरकार के इस पोर्टल पर क्या क्या सुविधा हैं। तो मैंने अबाउट अस पे क्लिक करने के बाद देखा यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरी डिटेल आ रही है यहाँ पे। आप चाहे तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं, अगर इंग्लिश में आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो। तो ई डिस्ट्रिक्ट है स्टेप टॉवर्ड मेकिंग, कुल मिला के यार बहुत अच्छा लग रहा है यार। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल अथॉरिटी ऑफ दिल्ली भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल बहुत आसान हो चुका है, आप सारी सर्विस घर बैठे कर सकते हैं। अप्लाई मोबाइल सहायक को अगर आपको लॉगिन करना है, तो ये तो मोबाइल सहायक अगर आप घर पर बुलाना चाहें तो वो भी आ जाएगा, यहाँ पे इनके नंबर दिए हुए हैं, और वो घर पे आने के बाद या ऑनलाइन आप उसको अपना एक तरह से सर्विस ले सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट स्टार्टेड, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कीजिए और वो सर्विस आपके घर पे आ जाएगा, वो जो सहायक है मोबाइल सहायक, और घर बैठे आपके सारे सर्टिफिकेट जो भी बनवाने आपको मतलब अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। और विजिटर कितने हैं देखिए, सारा स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। और ये ई डिस्ट्रिक्ट का जो हेड ऑफिस है उसका भी एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, IP स्टेट में है ये, न्यू दिल्ली में। और ऑफिस टाइमिंग भी दिया हुआ है इसका, अभी इतने बजे से इतने बजे तक ऑफिस खुलता है ये। तो बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली सरकार का ये पोर्टल। और कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे जैसे टैक्स साइज आइकॉन्स, इंक्रीज टैक्स साइज, पूरा समझा रखा उन्होंने एक एक चीज़ के बारे में स्टेप बाई स्टेप, चेंजिंग द कलर स्कीम। तो जरूरत है बस टाइम निकाल के उसको अच्छी तरह पढ़ने की, अच्छी तरह पढ़ने के बाद आप कोई भी सर्विस इजीली अप्लाई कर पाएंगे, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे, उनका स्टेटस देख पाएंगे। तो ये सब करने के बाद आपको महसूस होगा कि यार ऑनलाइन अप्लाई करना कितना आसान है, और वहाँ पे लंबी लंबी लाइनों के बजाय घर बैठे ही अप्लाई करें तो सब कुछ बदला सा लगता है, एकदम लगता है कि यार डिजिटल युग में आ चुके हैं। तो ये देखिए ऊपर एक विंडो चल रही है, कितनी अच्छी लग रही है, पहले ऐसी विंडो नहीं चलती थी लेकिन अब ये चलती भी लग रहा, सर्विस डिलीवर कर रहा आपके घर पे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और
पसंद आया होगा इंटरफेस ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का बिल्कुल नया लुक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में, ताकि इसी तरह की अन्य जानकारियां आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।